पाकिस्तान की टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल माने जा रही इस टेस्ट सीरीज में टीम का नेतृत्व शान मंसूद संभाल रहे हैं। माना जा रहा है कि तेज और बाउंसी विकेट पर ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक के सामने पाकिस्तान के बैटरों को संघर्ष करना पड़ सकता है और सीरीज में हार से बचना उसके लिए आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे आला खिलाड़ी हैं। वहीं स्पिन आक्रमण मूल रूप से ऑफ स्पिनर नायन लियोन पर केंद्रित होगा। सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ पर खेला जाना है और एशेज में चोटिल होने के बाद लियोन इस टेस्ट के जरिए टीम में वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पर 14 दिसंबर से 3 टेस्ट मैचों के लिए पाकिस्तान टीम की मेजबानी करनी है। इस सीरीज से पहले प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई ऑफ स्पिनर नाथन लायन ने मेहमान टीम के प्रमुख बल्लेबाज बाबर आजम के खिलाफ खेलने को लेकर उत्सुकता जाहिर की है और उन्होंने पाकिस्तान टीम का नंबर 1 सुपरस्टार भी बताया। पाकिस्तान के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया दौरे में बल्लेबाजी में सबसे अहम भूमिका पूर्व कप्तान बाबर आजम की रहने वाली है। बाबर के पास हाल ही में खुद पर उठ रहे सवालों का जवाब देने का भी अच्छा मौका होगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी बार खेली गई घरेलू टेस्ट सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और 5 पारियों में 78 की औसत से 390 रन बनाए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने 4 पारियों में 1 शतक की मदद से 210 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ने बाबर को लेकर कहा कि बाबर के खिलाफ खेलना अच्छा रहा, लेकिन वह एक बड़ी चुनौती भी रहे हैं। वह मेरी नजर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है। खासकर स्पिन के खिलाफ वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है, जो केवल स्पिन ही नहीं बल्कि हर तरह की गेंदबाजी को खेलने में माहिर है। उनकी टीम में कुछ सुपरस्टार हैं और अगर मैं सुपरस्टार की बात करूं तो वह मेरी नजर में पाकिस्तान की टीम में नंबर 1 है। वह पिछली बार यहाँ काफी अच्छा खेले थे, इसलिए निश्चित तौर पर यह हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी। नाथन लायन और बाबर आजम के बीच मुकाबला भी दिलचस्प रहेगा। लायन ने बाबर को अब तक टेस्ट में 5 बार आउट किया है, जबकि पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 215 रन बटोरे हैं। नाथन लियोन इस समय 500 विकेट के आंकड़े से महज 4 विकेट दूर है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में वह यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आम धारणा के विपरीत लियोन का मानना है कि वह टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की टीम से ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती मिल सकती है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम को लियोन काफी ऊंचा रेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 टेस्ट में बाबर 44.38 के औसत से 799 रन बना चुके हैं। इस दौरान 196 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है। गौरतलब है कि बाबर आजम ने वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद तीनों ही प्रारूप में कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। उनकी जगह अब टेस्ट की कमान शान मसूद को सौंपी गई है।